हेलो भाई, मैं बार आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैंने क्या सेल्टोस का बेस वेरिएंट ठीक क्यों खरीदा। ये HTE 1.5 डीजल है जो बिल्कुल ही बेस आता है, सबसे सस्ता यही है। इससे सस्ता 20,000 नीचे एक और है जो HTE में पेट्रोल वेरिएंट है। लेकिन फिर मैंने ये क्यों खरीदा इसकी हम बात करेंगे। अब सबसे पहले बहुत लोग कहेंगे कि पैसे इतने होंगे इस वजह से, बात तो वो भी ठीक है, लेकिन भाई पैसे का ऐसे देखो, इतने महीने अगर हम रुके गाड़ी के लिए तो एक महीने और रुक जाते तो मैं ऊपर वाले वेरिएंट भी इसके आसानी से खरीद सकता था। लेकिन फिर भी बेस वेरिएंट ठीक क्यों, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता जाऊंगा, जब भी आप गाड़ी सेलेक्ट करते हैं तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फीचर्स देख लो। अभी मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी कि मेरे को एक डीजल कार चाहिए जो भगाने में बढ़िया हो। फीचर्स से मेरे को कोई ज़्यादा भी मतलब नहीं था, क्योंकि जो बलेनो है उसमें काफ़ी सारे फीचर्स मेरे को ऑलरेडी मिल जाते हैं अपनी में, तो जो बलेनो है उसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, कीलेस एंट्री वगैरह वो सब आ जाता है। अब कीलेस एंट्री मेरे ज़्यादा समझ में नहीं आई, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, मेरे को ज़्यादा सही नहीं लगा वो। अभी देखो, अभी मैं कंफ्यूज हो रहा था कि चलो बेस वेरिएंट हटा के जो अपना जो ऊपर वाले वेरिएंट है HTK प्लस वो लिए जाएं, क्योंकि इसमें दो चार चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे को हाइट करती हैं। एक तो ये यहाँ पे ना होकर अगर यहाँ पे होता ना, जैसे क्रेटा में आता है तो वो बिल्कुल मतलब बेस वेरिएंट की फील देता नहीं। सेकेंड चीज़ जो मेरे को इरीटेट करती है इस वाले वेरिएंट में, जो ये डंडी है ना, ये थोड़ी ओल्ड फीलिंग देती है। पुराने ज़माने की गाड़ियों में आया करती थी, जो हमारी डिट्स थी ना पहले, उसमें ऐसा वाला सिस्टम था, तो एक ये चीज़ मेरे को दुखी कर रही थी। बाकी और तो सब ठीक है और ज़्यादा मेरे को शिकायत नहीं है। अब ये सब तो इतने पैसे में यही मिलेगा, और इसके MID भी आपको बेस वेरिएंट से इतनी सही मिल जाती है जो टॉप वेरिएंट जैसी है। अभी केवल इन दो चीज़ों की वजह से मेरे को मन बन रहा था कि मैं HTK लूँ। जब मैं HTK देख रहा था तो फिर जब मैं HTK प्लस के फीचर्स देखे तो फिर मेरा मूड करने लग गया कि मैं HTK प्लस लेता हूँ, HTK को लेना ही क्या। अभी मैं HTK और HTK प्लस में बीच में आपको डिफरेंस गिनवाऊंगा। आप भी कहेंगे कि यार ये रियली कन्फ्यूजिंग करने वाली चीज़ है क्या, मैं क्योंकि HTK और HTK प्लस डीजल वेरिएंट में केवल 1,00,000 रुपये का ज़्यादातर फर्क आता है और फीचर्स इतने सारे मिल जाते हैं कि हर बंदा कन्फ्यूज होगा ही होगा। इस वजह से फिर HTK को तो ड्रॉप करना ही पड़ता है, और HTK को अगर ड्रॉप करें तो HTE और HTK प्लस में सीधा सीधा 2.5-3 लाख रुपये का अंतर आता है। तो HTK में इससे ऊपर क्या मिलता है उनकी बात करते हैं। सबसे पहले तो जो ये इंडिकेटर है यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे चले जाते हैं, उसके बाद अपनी ये डंडी हटके एडजस्टेबल हो जाते हैं, अंदर से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज़, इसमें आपको टच स्क्रीन मिल जाता है एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले 8 इंच का, जो HTK प्लस तक आता है। उसके बाद इसमें रियर का कैमरा आ जाता है, उसके बाद रूफ रेल्स आ जाती हैं, उसके बाद प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स आ जाते हैं, फ्रंट और रियर के मडगार्ड आ जाते हैं, और उसी के साथ साथ जो ड्राइवर वाली पावर विंडो है वो एक सिंगल टच अप डाउन भी मिल जाती है। तो ये सब फीचर्स HTK में ऊपर मिल जाते हैं HTE से। तो यही सब फीचर्स थे जो HTE से HTK में ऊपर चले जाते हैं, और प्राइस डिफरेंस कितना है, 1.5 लाख रुपये का। अभी 1.5 लाख काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं इन सब फीचर्स के लिए। अगर आप 8 इंच की स्क्रीन देखते हैं, ये रूफ रेल्स वगैरह 2500 की मिल जाती है आपको, और ये जो अपने ORVM से ये भी आप चेंज करवा सकते हो 20-25 हज़ार रुपये के मैक्सिमम बढ़िया क्वालिटी के। तो मेरे को HTK को ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लग नहीं रहा था। फिर HTK प्लस जब मैं देख रहा था तो उसका 14,32,000 रुपये प्राइस जा रहा था ऑन रोड डीजल में, लेकिन अगर उसको हम कट पीट के अपने डिस्काउंट वगैरह लगा के 14 लाख का वो पड़ जाता, तो करीबन 2.5 लाख रुपये वो मेरे को महंगा पड़ता। और उस पर मेरा पूरा प्लान बन रहा था कि उस पर जाऊँ, क्योंकि फीचर्स HTK से HTK प्लस में जो इतने सारे मिल रहे हैं ना, उसमें केवल 1,00,000 रुपये का फ़र्क है। और उसमें सबसे पहला एट्रैक्टिव फीचर तो जो मेरे को अच्छा लगता है उसमें आ जाते हैं 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स। 1,00,000 रुपये के डिफरेंस में आपको अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं, ठीक है भाई। उसके अलावा यहाँ पे फिर DRLs आपको मिल जाती हैं हेडलाइट्स में, जो बहुत सही लगती हैं, जो अपना GT-Line VT-Line सब में वही वाले ऐसी DRLs आती हैं, उनसे अलग मतलब ये वाली नहीं आती, बस केवल यहाँ पे आते हैं जो ब्राइट होती है और देखने में बहुत सही लगती है। तो HTK प्लस को एक ये भी सही लग रहा था। और पर्सनली जो मेरे को एक सबसे अच्छी फेवरेट चीज़ लग रही थी HTK प्लस की, वो थी इसमें आपको यहाँ पे डुअल मफलर एग्जॉस्ट मिल जाता, मतलब ये डिज़ाइन ये बहुत सही लगता है। तो HTK प्लस में ये चीज़ भी मिल जाती। उसके अलावा इंटीरियर की अगर बात करते हैं तो उसमें आता है फिर अपना ये चीज़ हटके पुश स्टार्ट बटन, अब लगा लो यार 1,00,000 रुपये में आपको पुश स्टार्ट बटन भी मिल रहा है, और उसके बाद अपना कीलेस एंट्री भी आपको HTK प्लस में मिल जाती है। इतना ही नहीं, साउंड मूड लाइटिंग आपको मिल जाती है, हालांकि जो इंफोटेनमेंट था ये अपना HTK वाला ही था। उसके बाद सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो उसमें आपको रियर वाइपर, ये डिफोगर और पार्सल ट्रे भी अवेलेबल कराई जाती है। उसके बाद ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स उसमें आपको मिल जाते हैं, ये जो हेडलैम्प्स मैंने आपको बताए थे जहाँ पे DRLs आते हैं वो ऑटोमेटिक आते हैं, रात होती है अपने आप वो जल जाएंगे। उसके अलावा जो अपना गियर नॉब है वो लेदराइट आता है। और अभी HTK प्लस में एक और चीज़ नहीं ऐड करी गई थी, ये जो अपना पोर्शन है ना ग्लोसी ब्लैक फिनिश में कर दिया गया था, जो कि यूनिक बना देता है HTK प्लस को, तो मोस्ट वैल्यू फॉर मनी किया भी उसको समझता है। उसके अलावा ORVMs फोल्ड अनफोल्ड ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, अपना लॉक करेंगे तो अनलॉक, अनफोल्ड और लॉक करते ही फोल्ड हो जाएंगे। उसके अलावा एक और बेहतरीन फीचर क्रूज कंट्रोल आपको मिल जाता है HTK प्लस में। तो 1,00,000 रुपये के डिफरेंस में आप खुद समझ सकते हैं कि बंदे पे क्या बीतेगा अगर वो HTK और HTK प्लस में कंफ्यूज होगा। एक लास्ट फीचर रियर विंडशील्ड कर्टेन आपको मिल जाते हैं, जो कि इसके अंदर ही चले जाते हैं, और आप जैसे ही धूप लगते हैं तो उनको आप ऊपर की तरफ कर भी सकते हैं।
अब आप ही बताओ भाई HT के आपको क्यों वैल्यू फॉर मनी लगेगा जब आपने HT के प्लस के इतने सारे फीचर्स देख लिए। 13,20,000 रुपए हरियाणा में ऑन रोड प्राइस है HT का, अगर मैं बिना डिस्काउंट वगैरह बात करता हूँ, इंश्योरेंस वगैरह सब उससे लूँ, और 14,32 का पड़ता है अपना HT के प्लस का। तो ये मेरे को दिमाग में कर रहा था कि HT का तो चलो मैं ले लूंगा, थोड़े दिन वेट करूंगा तो मेरे पास इतने पैसे आ जाएंगे कि मैं उसको HT को ले पाऊँ, और बेस रेंट भी नहीं रहेगा, ये सब भी सही आ जाएगा। लेकिन फिर जब मैं देखता हूँ कि यार HT के प्लस में इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं, मैं बाहर से लो व्हील वगैरह भी चेंज करवाऊंगा जब भी मेरे को इतने का, तो ऐसे ही चूना लग जाएगा, फिर क्रूज कंट्रोल रहा और LED डायल वो चीज़ जब भी नहीं मिलने वाली। तो ये वजह था कि फिर मैंने सोचा कि भाई इन सब चीज़ों को ड्रॉप मार के HTE ही सही है। और HTE में केवल आपको दो कलर्स मिलते हैं, वाइट और एक सिल्वर। तो मेरा वाइट ही लेने का प्लान था, अगर कोई और कलर होता तो मैं HTE की तरफ जाता। HTE से आपको सारे कलर्स मिलने लग जाते, लेकिन अगर आप HTE लेते तो केवल दो कलर्स आते हैं। तो ये एक रीज़न था भाई कि मैंने HTE लिया। और मेन जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी रिक्वायरमेंट थी केवल मेरे को एक पावरफुल कार चाहिए डीजल में, तो वो चीज़ मेरी HTE से ही सफिशिएंट हो रही थी। तो यही रीज़न था भाई, वैसे HTE भी मेरे को कम नहीं लगता, इसमें सारा कुछ तो मिल जाता है। बेस वेरिएंट के हिसाब से देखना, अपने स्टीयरिंग कंट्रोल हो गए, ये टू डिन का स्टीरियो सिस्टम आ जाता है उसमें भी, तो यही दो नॉब मिलती बस, इसमें बटन एक्स्ट्रा आ गए, छोटी डिस्प्ले हो गई, ये चीज़ एक थोड़ी सी लगती है। और HTE में भी ये चीज़ ऐसी मिल रही थी, इस वजह से थोड़ा उसका मूड भी खराब हो रहा था। इसमें कैबिन लाइट भी आपको मिल जाती है बेस वेरिएंट से ही, बेस वेरिएंट से आपको प्रोजेक्ट हेडलैम्प्स मिल रहे हैं, वही वाले हेडलैम्प्स मेरे को HTE और HTE प्लस में भी मिलते, तो वो चीज़ एक डिसअपॉइंटमेंट सी लगी। अगर LED मिलती तो मैं एक बार और सोच सकता था MID अपनी इसमें किया में, ये फीचर बढ़िया मिल जाता है कि जो MID टॉप वेरिएंट्स में मिलती है, यानी कि HTE प्लस तक भी मेरे को यही मिलती, तो मेरे को ये बेस वेरिएंट में भी यही मिल रही है। मारुति नहीं है जो अलग MID कर देती है, यही हटा देती है, इतनी कंजूसी तो कौन करता है यार। HTE और HTE प्लस में भी मेरे को ये एडजस्टेबल नहीं मिलते, ये रियर के हेडरेस्ट, इस वजह से भी थोड़ी सी एक डिसअपॉइंटमेंट सी उनको लेकर लग रही थी। और बेसवेंट से ही मेरे को रियर AC वेंट्स भी मिल रहे थे, USB चार्जर भी मिल रहा था पीछे की तरफ। तो ये सब देखते हुए मैं बेस वेरिएंट की तरफ गया, और मैं बहुत खुश हूँ अपने इस डिसीजन के साथ कि मैंने उन फीचर्स के लालच में नहाते हुए मैंने किया सेल्टोस का HTE बेस वेरिएंट खरीद लिया। बहुत सही है यार, अपने देखो पावर सेल्टर नहीं है तो ये फीचर आपको बढ़िया मिल जाता है कि आप बंदे इसमें से लिटा सकते हैं और खूब कंफर्टेबली वो जा भी सकता है, पावर सेल्टर ये सब चीज़ नहीं होने देती है। तो यही था भाई मेरा तो डिसीजन किया सेल्टोस HTE लेने का। अब ये सोच सुना यार, जो डीजल इंजन को चलाने में मेरे को स्वाद आ रहा है, वही जो 19-20 लाख रुपए करके HTE एक्सप्रेस वगैरह लेगा उसको भी सेम स्वाद आएगा। बाकी चॉइस आपकी है भाई, आप जैसा आपको फीचर्स पसंद हो या ड्राइविंग के लिए आप कार चाह रहे हैं आप ले सकते हैं। और भाई आप लोग बहुत बोलते हो उसको चेंज करा लो भाई, चाइनीज पे मैं नहीं जाऊंगा, आपको मैं पहले बता देता हूँ। अगर कभी कोई लगवाना होगा तो मैं कोई ब्रांडेड लगवाऊंगा, लेकिन अभी जो एंड्रॉइड चाइनीज वगैरह आते हैं ना, सब चाइनीज है, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है उनमें 1% भी। तो इस वजह से भाई मैंने जो है HTE लिया, जो मेरे को कुल 11,70,000 रुपये के लगभग पड़ गया, 1160 का 1170 का तब पड़ता जब मैं उनसे लेता। तो यही था भाई बेसिक सा मेरा रीज़न HTE लेने का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।